दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्टर का मैं रिव्यू करता रहता हूं। उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर भी होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राइटनेस पिक्चर क्वालिटी और शार्पनेस के मामले में और आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही प्रोजेक्टर का रिव्यू लेके आया हूँ जिसे देखते ही मुझे ये लगा की ये प्रोजेक्टर मेरे पास में होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्टर को जैसे मैंने टेस्ट किया इसमें जिस तरह का मुझे आउटपुट देखने को मिला चाहे वो ब्राइटनेस हो पिक्चर की क्वालिटी हो कलर्स हो या फिर शार्पनेस हो और जिस प्राइस में ये प्रोजेक्टर कंपनी लॉन्च कर रहा है उस प्राइस के हिसाब से अभी के लिए ये प्रोजेक्टर बेस्ट प्रोजेक्टर है जिसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं अपने होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए अगर आपका बजट भी इस प्रोजेक्टर के प्राइस के आसपास है दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पिक्सपैक एपेक्स प्रोजेक्टर का जो रिसेंटली पिक्सपैक ब्रांड ने लॉन्च किया है और पिक्सपैक ब्रांड के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं ट्रस्टेड ब्रांड है इनके प्रोडक्ट ज्यादातर पिक्सपैक के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डी डील डॉट इन पे मिलते हैं आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और पिक्सपैक ब्रांड का कोई भी प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इनके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और हमेशा याद रखे की आपको पिक्सपैक के ओरिजिनल प्रोडक्ट ही परचेस करना है तो आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से ही परचेस करना है जिसे आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो दोस्तों पिक्सपैक ब्रांड जापान में रजिस्टर्ड ब्रांड है और इनके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो जापान के क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए किए जाते हैं साथ ही साथ इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो कम से कम बजट में बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आते हैं अपने कस्टमर के लिए आपको इनके हर प्रोडक्ट पे वन ईयर की डोर स्टेप सर्विस मिल जाती है आप चाहे तो इनके प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी पे भी परचेज कर सकते हैं मगर कैश ऑन डिलीवरी के लिए कुछ पेमेंट जैसे की थाउजेंड रुपीज तक का आपको एडवांस या फिर कंफर्म चार्ज देना पड़ेगा तो तो आपके इनके प्रोडक्ट अगर करना है तो बेझिझक आप परचेस कर सकते हैं अब बात करते हैं इस ब्रांड न्यू रिलीज पिक्स एपेक्स प्रोजेक्टर के बारे में लुक एंड डिजाइन की बात करें तो सिल्वर ग्रे कलर में आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा जिसमें सामने की तरफ आपको ब्लैक कलर का मैग्नेटिक फ्लैप देखने को मिलेगा जो लेंस को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है पूरी तरीके से ये मैग्नेटिक है फ्लैप के अंदर आपको इमेज करेक्शन लेंस देखने को मिल जाएगा जो मोटराइज है और उसके ठीक बगल में दो कैमरा सेंसर प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में हीट वेंटिलेशन ग्रिल और स्पीकर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्टर के राइट साइड में डस्ट फिल्टर प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएगा कनेक्टिविटी पोर्ट में आपको एक इंटरनेट पोर्ट दो यूएसपी पोर्ट दो एच पोर्ट एक हेडफोन पोर्ट एक एवी पोर्ट और आई रिसीवर देखने को मिल जाएगा उसी के बगल में आपको कंट्रोल बटन नीचे के साइड में आपको पावर पोर्ट मिल जाएगा और बैक साइड में ही आपको एक और स्पीकर का प्लेसमेंट प्रोजेक्टर के टॉप में आपको पिक्सपैक की ब्रांडिंग और थोड़ी पीछे के साइड में आपको रिंग लाइट डिजाइन पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ चार हाइटेड रबर फुट जो टिल्टेड है जो इस प्रोजेक्टर के लुक एंड डिजाइन को एनहैंस करती है सामने की तरफ आपको एक हाइट एजिस्टिंग नोव थ्रेड मिल जाएगा और सेंटर में टाइपोड माउंट थ्रेड

वेबसाइट पे इसका जो प्राइस है नाइनटीन ट्रिपल नाइन आपको देखने को मिलेगा मगर आप टी आर टू कूपन कोड यूज करते हैं तो ये प्रोजेक्टर आपको सेवनटीन ट्रिपल नाइन में मिल जाएगा तो आप इस प्रोजेक्टर को परचेस करना चाहते हैं तो कूपन कोड का यूज करना मत भूलिएगा तो दोस्तों जैसे की मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा जिस प्राइस में ये प्रोजेक्टर आपको मिल रहा है और आपका अगर बजट इसी प्राइस के आस में है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर को आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये एक जबरदस्त प्रोजेक्टर है जिससे आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस पिक्चर की क्वालिटी सार्फ इमेज और जबरदस्त कलर देखने को मिल जाएंगे ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है फोर के एच को मगर दोस्तों इसके लिए आपको एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी जैसे कि Amazon Fire TV Stick 4K और मैंने यहाँ पर जितने भी कंटेंट आपको प्ले करके दिखाया है सभी के सभी मैंने अपने Amazon Fire TV Stick 4K के थ्रू इस प्रोजेक्टर से आपको दिखाया है जिसमें आप इस तरह का रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों ये प्रोजेक्टर मेरे 12 फीट के कमरे में हंड्रेड एंड के आसपास का स्क्रीन बना रहा है मेरे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है हंड्रेड इंच का स्क्रीन है ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर फुल्ली ऑटोमेटिक है है विद जायरोस्कोपिक फोकस के साथ में आता है, तो प्रोजेक्टर को आपको स्क्रीन के सामने में सेटअप करना है प्रोजेक्टर को ऑन करना है और ये ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके फोकस एडजस्ट कर लेता है तो ऑटो फोकस की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से ये ऑटो फोकस कर लेता है फिर भी आपको मैनुअली फोकस एडजस्ट करना है तो रिमोट में आपको डिडेक्ट दो बटन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं इसके अलावा प्रोजेक्शन इमेज को आपको आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन में एक्यूरेट सेटअप करना है तो इसमें आपको और भी प्रोजेक्शन सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे की डिजिटल जूम फोर पॉइंट करेक्शन दोस्तों इतने बड़ी स्क्रीन में भी लाइटिंग कंडीशन में भी आप अगर देखेंगे तो इसकी जो विजिबिलिटी है काफी अच्छी है ब्राइटनेस इसकी काफी जबरदस्त है जैसे की आप स्क्रीन में देख सकते हैं कमरे में नाइन वाट का लाइट ऑन है जिसमें इस तरह का विजिबिलिटी आपको देखने को मिलता है इसके अलावा ट्वेंटी वाट का ट्यूबलाइट ऑन करने पर पर भी इस तरह का विजिबिलिटी देखने को मिलता है जो कि उतना बेहतर नहीं है और किसी भी अच्छी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं मगर बाकी जितना ज्यादा लाइटिंग में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पिक्चर की क्वालिटी डल हो जाएगी और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप डार्क रूम में ही बेस्ट एक्सपीरियंस पा सकते हैं तो इस प्रोजेक्टर के साथ में भी ऐसा है थोड़े बहुत लाइटिंग कंडीशन में इस प्रोजेक्टर से आपको हंड्रेड से लेकर हंड्रेड इंच के आसपास का स्क्रीन भी बनाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा इसके अलावा आउटडोर में आप अगर बड़ी सी स्क्रीन भी बनाते हैं

ये प्रोजेक्टर 4K के सिक्सटी एपीएस एडिया टेन और एच को सपोर्ट करता है और कंटेंट में भी चाहे आप YouTube देखें या फिर OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट देखें तो आपको वो एच का एक्सपीरियंस देखने को मिल ही जाएगा इसके अलावा दोस्तों आप अगर प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो एच को जो है आप

आप अगर एच को ऑफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉन्टेस्ट लेवल है जो ब्लैक के लेवल होते हैं वो कम हो जाते हैं इसकी वजह से जो है आपको ब्राइटनेस एच कंटेंट के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है तो ये टोटली आपके ऊपर में है ये प्रोजेक्टर एच डी आर कॉन्टेंट को भी काफी अच्छे से हैंडल करता है क्योंकि इस प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस की कमी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप अगर 100 से 120 इंच के आसपास इवन आप अगर 150 इंच के आसपास का भी स्क्रीन बनाते हैं और डार्क में अगर इस प्रोजेक्टर को देखते हैं तो आपको एच डी आर ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी आपको एच डी आर देखने में भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसमें आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू भी आप अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे जिसमें पर्सनली मुझे विविड प्रीसेट जो है वो पसंद आया एच डी में विविड प्रीसेट में मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला आप अपने हिसाब से कोई भी प्रीसेट को यूज कर सकते हैं या फिर यूजर मेनुअल में जाके अपने हिसाब से ब्राइटनेस कॉन्टेस्ट सेचुएशन शार्पनेस को कंट्रोल करके अपना पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं प्रोजेक्टर गिल 55 फाइव वाट के दो स्पीकर दिए गए हैं जिसका ऑडियो आउटपुट काफी लाउड है तो आप यह कह सकते हैं काम चला सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छी क्वालिटी और क्लैरिटी के साथ में ऑडियो सुनने को मिल जाता है फिर भी थिएटर वाला एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो भाई एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर हो या फिर होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप किसी भी प्रोजेक्टर से एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर या फिर होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करके थिएटर वाला माहौल बना सकते हैं इसमें आपको डायरेक्ट एच डी यानी कि आर सी का भी, के का कोई भी आपको प्रोजेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा की अंडर अंडर 18,000 में अभी तक का ये बेस्ट प्रोजेक्टर है और आपका अगर बजट अंडर ट्वेंटी या फिर एटीन के आसपास में है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर को आप परचेस कर सकते हैं और प्रोजेक्टर के साथ TV Stick है आप चाहे तो अमेजोन फाइटिविस्टिक परचेज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस परचेस कर सकते हैं जो इसके साथ कंपेटेबल है जिससे आपको इनबिल्ड प्रोजेक्टर के एप्लीकेशन से भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और यूजर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है तो दोस्तों ये था पिक्सपैक एपेक्स प्रोजेक्टर का रिव्यू उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत से भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलिएगा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा अगर उन्हें भी प्रोजेक्टर लेने में इंटरेस्ट है तो ताकि हमारे चैनल के थ्रू उन्हें भी मार्केट में मिलने वाले प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो देखने को मिल सके और अपने लिए वो बेस्ट प्रोजेक्टर बाय कर सकें तो आज का वीडियो इतने ही मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद